एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह 16। तो राम राम जी, जय जोहार। सुबह के 9 बज चुके हैं और ये नान बड़ी की दुकान है जहाँ मैं सामान देने के लिए बैठा हूँ आज, क्योंकि वो लोग गए किसी प्रोग्राम वोग्राम में, साथ में लगन का प्रोग्राम हो रहा है। तो ये कोई छोटी सी दुकान है, वैसे तो इसमें नाश इकट्ठे रख रहे हैं घर में पीछे की साइड, लेकिन फ्रंट साइड पर कुछ स्कूल के बच्चों के लिए चॉकी चॉकलेट वगैरह रख रखी है। तो दोपहर के 9:30 बज चुके हैं और आज निर्मा बना रही है बाजरे की रोटी। जय कारवान के देखे तो क्या है। तो देखो, सोनिया के घर पे बाजरे की रोटी की साइज आपने देखी थी पहले, और हमारे यहाँ देखो कितनी छोटी बनाते हैं। ये देखो, ये बहुत छोटी बनाते, सोनिया और उनके साइड बनाते हैं बड़ी बड़ी रोटी। ये देखो रोटियों की साइज। तो सोनिया के घर पे आपने देखी थी ना, बहुत बड़ी बड़ी रोटी साइज की बनाते हैं। वो मोटी होती थोड़ी सी और थोड़ी चौड़ी भी होती, उनका तवा भी बहुत एक्स्ट्रा लार्ज होता है, मतलब बड़ा होता है, लेकिन हमारा तवा भी मीडियम होता है, रोटी की साइज भी मीडियम होती है, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी। हाँ मौसम भाई, नाव जा रही है भाई। ये देखो, ये लाज करके से बैठी है। हो गए तेरे काम वाम कंप्लीट है? लगन वगन झुलवाए पे ना? हाँ। और काले रहा घुघरी बता से। वाह, घुघरी और बतासे। घुघरी बोले तो मतलब गेहूं की वो, और बतासे। अच्छा था, पास में लगन का प्रोग्राम था जो मैंने पहले बताया, तो वहाँ जैसे अनाज डालने जाते हैं पूरे गांव के लेडीज वगैरह। हमारे तो कोंगई बुनते थे, कोंगई कोंगई बोले तुम्हारे नते जो कर घुघरी और काट के रहे कोंगई। चलो बहुत बढ़िया। तो ऐसा होता है कि गेहूं को पानी में उबाल के जो बनाते हैं हमारी साइड, उसको बोलते घुघरी, और अभी जो इसके मुझे सुना उसको बोलते होंगी, ये दोनों एक ही चीज के नाम है वैसे, घुघरी। तो ये देते हैं जब लगन पे नाश डालने जाते तब। अभी रोटी तने खा ली? रोटी मन देगी तनी, कब खाई तने? छत पे खाई। अरे छत पे खा रही, सर्दी ज्यादा लग रही नहीं है? ऐसा है कि हमारे घर के मुकाबले यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आस पास चारों तरफ खेत ही खेते ज्यादातर, इसलिए। अल्लाह, शाम को गीत गा गई तो ये कह रही कि ना तो मुख बिन की भाषा समझ में आई, ना बिन कोई आगे समझ में आई। गीत गाए थे ना सही में? एक बार गा के दिखाई कौन सा गीत गाया। लेकिन यहाँ गीत गाए जे? अरे वाह, यहाँ का गीत समझ में आ गया बिन के। अरे वाह, तेन गीत मोद आज पता चले गीत गाओ जाने तू। गा तो लगा, एक बार गाइयो लगाइयो पतली सी को। हमें पता याद चला कि भाई इसको गाना गीत भी आते है, बताओ। लगाइए एक बार, कौन सा गाया बता सही। तो दोपहर को 1 बज चुके हैं, और एक और स्पेशल चीज, आजकल हर घर में आपको एक कुट्टी करने की मशीन मिल जाएगी, जो पहले छलने वगैरह में छालते थे, क्योंकि मशीन ज्यादा महंगी भी नहीं है, शायद 2-3 हजार पे येगी, 6-7 की है गई। अंदर मां 6 हजार की है, 7 साल पे आप तो सस्ती होगी ये, पहले आई आई जब महंगी, अब तो लास्ट 2-3 हजार पे मिल जाती है, खींच के मिल जा लास्ट। हाँ तो 5 भी ज्यादा नहीं है, हाँ तो 5-6 हजार ज्यादा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 5-6-7 हजार रुपये ज्यादा चीज बड़ी बात नहीं है, पहले छलने पे छानते थे तो बहुत ज्यादा मेहनत होती थी, बार बार हाथ घिस जा रहा था पूरा जंगले पे। हाँ सही है।
सही है पानी मोड़ो जा रहे थे। मोड़ा 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 मोड़ा। तो ये जुगाड़ अच्छा है। अगर आप लोगों की साइड भी ऐसी मशीन ना हो, ज्यादातर इनके ट्रांसपोर्ट इधर से चला था जयपुर साइड से, और अब तो हर जगह मिलने लग गई चीजें। तो दोपहर को 2 बज चुके हैं और आज हम जा रहे हैं लगन टीके के प्रोग्राम में। तो शायद घर की ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है, वहाँ का देखते हैं कुछ अच्छा बैठ पाता है तो। वीडियो को देखना एंड तक। लेकिन हाँ नानवाड़ी, सारन सारन चलेंगे हम तो, हमारी मोटरसाइकिल चल जाएंगे। तो ये नानवाड़ी की दुकान है भाई, नानवाड़ी की दुकान वैसे ही अपने टाइम पास के लिए खोल रखी है बस। तो हालांकि सर्दी का मौसम है, आधे टाइम हमको दिक्कत हो सकती है रास्ते में, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं इसी से ही, क्योंकि कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं, मोटरसाइकिल से निकलना पड़ेगा अभी हमको। रास्ते भी थोड़े से ऐसे ही है, ख़राब ख़राब से, ज़्यादा अच्छे रास्ते भी नहीं है, लेकिन ये भी है कि पहुँच जाएंगे जल्दी लगन के प्रोग्राम में। ये देखो स्कूल के बच्चे, इसकी छुट्टी हुई है अभी जस्ट। तो हम लगभग पहुँच ही चुके, आ गए हम लगन टीके के प्रोग्राम में। तो देखते हैं अगर यहाँ कुछ होता है तो ठीक है। तो रात को 8 बज गए और हम लोग जल्दी वापस आ गए, वहाँ से 6:45 बजे का 7:30 बजे करीब फ्री हो गए थे। तो सर्दी काफ़ी थी रास्ते में, देखो एकदम हाथ ऐसे हो गए खतरनाक तरीके से, मोटरसाइकिल पे जम गए, बहुत भयंकर सर्दी है इन दिनों यहाँ तो, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। लेकिन ये है तो पहुँच गए हम लोग, और करते हैं अब तो सुबह की ब्लॉगिंग होगी क्योंकि यहाँ तो हो गया काम। तो अगले दिन सुबह के 7:30 बज चुके हैं और ये देखो तीनों लेडी डिपार्टमेंट्स, मतलब चूल्हे की जिम्मेदारी सुबह हो रात हो दिन हो, मैं इनको देखता इसी जगह पे हूँ ये मान लो। तीनों तीनों और राजकुमारी हो गए बीमार यहाँ पे, मन नहीं लग रहा बताते रहे यहाँ पे, मन नहीं लग रहा भगवान सोले। अरे 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 बोलो आते तो गलत हो गया। चलो तो घर को चलो चलो, ज्यादा ही परेशान हुए कछु है। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। काम हो गई जो जा रही है, इनके तीन चूल्हे का सेट बना रखा है, एक वाला चूल्हा जिस पर रोटी करते हैं, बाकी एक वो भट्टी जैसा चूल्हा है और दूसरा भी भट्टी जैसा चूल्हा है, जिन पे एक पर दूध गर्म करते हैं, दूसरे पे भैंस को लपटा बनाते हैं, मतलब जुगाड़ शानदार बना रखा है बाहर की रसोई। बाकी जब बरसात बरसात आती है तो उधर की साइड एक चूल्हा रखा हुआ है तो वहाँ बना लेते हैं, बाकी किचन अंदर भी है इसमें घर के अंदर। ले चल चल फिर घर है। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे दवाई के बारे में कि वो दवाई किस चीज़ की है, क्या असर करती है, बहुत सारे लोगों को चाहिए भी, तो वो कैसे अवेलेबल होगी वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले दवाई दिखाता हूँ आपको। वो 100% आयुर्वेदिक दवाई है, मतलब दवाई कहाँ से मंगाई थे ना, जीतू लाया था, मैं तो लाया जीतू को भाई दवाई। काय काय चीज़ में असर करे, जुकाम में कर दे, दमी में कर दे, दमी में और मेरी बना रही है। अरे थोड़ा ऐसा है कि जुकाम, दमी, मतलब दमी के मतलब जो सांस जो चल घुटने लग जाता है ना उसमें, गहरी खांसी में, और सिरदर्द रुक जाए, ते कछु असर करे क्यों? लो लियो दवाई, लियो आंखों में खुजली, वाह लियो दवाई, लियो वाह। ऐसा है वो इतने सारे असर करती है, जुकाम की एलर्जी में भी, खांसी में भी, और क्या बोलते हैं दमी जो सांस का चलना रहता है ना सर्दियों के दिनों में, मतलब सर्दियों के दिनों में ऑल एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ों में असर करती है। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे दवाई के बारे में कि वो दवाई किस चीज़ की है, क्या असर करती है, बहुत सारे लोगों को चाहिए भी, तो वो कैसे अवेलेबल होगी वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले दवाई दिखाता हूँ आपको। वो 100% आयुर्वेदिक दवाई है, मतलब तो ये है भाई वो दवाई जो पैकेट्स में, हालांकि पैक की है लेकिन है पूरी तरह आयुर्वेदिक, जड़ी बूटियों की है, नहीं नहीं है, जड़ी बूटियों की दवाई है, एकदम कड़वी है, हाँ तो जड़ी बूटियों की होती है। ऐसा है कि इस तरह का पार्सल मिलता है जो इलाका है करौली में, एक जगह है टोडा भीम करके, तो वहाँ एक बाबा है जो बनाते हैं इसको। बाकी किस किस को चाहिए वो मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली आके आपका मोबाइल नंबर दे, हो सकता है मैं आपकी हेल्प करूं इसको भिजवाने में, जो भी है उसका जो भी है तो मैं पहुंचा दूंगा आपको पक्का, बार इंस्टाग्राम पे आना होगा, यूट्यूब की कमेंट में नहीं, फायदा पड़ा पक्को। तो भैया मैं तो खुद ने रिजल्ट देखा था, कल मेरी जुकाम भी ठीक हो गई और बाकी इनको भी काफ़ी फायदेमंद है। हम लाए थे नर्मा दीदी के लिए काफ़ी दिनों पहले, समथिंग समथिंग 1.5 साल पहले से ले लिए,
चलो चलो बहुत बढ़िया। तो ये है भाई इसका रिजल्ट। तो रात में दर्द तबीयत खराब तो नहीं करी है? नहीं है सारा तो उल्टी उल्टी कहीं कर रही है? उल्टी आगे तो उल्टी जुकाम हो रहा है कहीं तो जुकाम काम हो रही का दिक्कत है, मतलब बीमार है का चक्कर है? अरे तो होकर यो जुकाम है बुखार है का जो बता सही जुकाम ही जुकाम है ना। तो जुकाम तो अच्छी चीज है या को दवा दवाई है ले दवाई ले वहां जल्दी कड़वी लगाएगी तो लगाएगी हमका दवाई तो पूरी लेनी पड़ेगी। अरे यो ही सही ना दवाई ले सब चार जल्दी। तो ऐसा है इनको दवाई वाई देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो की लेंथ आज जरूर छोटी रहेगी क्योंकि कल लगन में कहते तो बना नहीं पाए इतनी ज़्यादा। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी, जय जोहार। नए बंदे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी पुराने बंदे वीडियो को लाइक करके एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ना।